अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को हमने पहले ही व्लॉग में अपना बताया था कि नेक्स्ट व्लॉग जो भी आने वाली है वो दिल्ली की है, तो ये जो व्लॉग है ये दिल्ली की मेरी जो जर्नी है उसकी है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले तो हम लोगों को जाना है स्टेशन, स्टेशन के लिए निकलते हैं क्योंकि टाइम मेरा हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए, ये दिल्ली नहीं, गुवाहाटी का जो ट्रैफिक है इतना बुरा ट्रैफिक है, और यहाँ के लोग देखिए इतना ट्रैफिक लगा हुआ है। एम्बुलेंस पीछे है लेकिन एम्बुलेंस को साइड नहीं दे रहे थे, ये देखिए। फिर ये विक्टर दास सर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, इन्होंने फिरा करके साइड दिलवाया। अच्छा, तो फिर अभी हम लोग आ करके पहुँच चुके हैं अपना स्टेशन, और मेरा जो ट्रेन था वो गुवाहाटी से नहीं था, कामाख्या से था, तो मुझे कामाख्या स्टेशन तक आना पड़ा। ये आकर के अभी हम लोग पहुँच गए हैं कामाख्या स्टेशन, और फिर यहाँ से फिर ट्रेन है। ये ट्रेन मेरी रुकी हुई है, ये देखिए। लेकिन हाँ, ट्रेन में चढ़ने से पहले ना हम कुछ खा लेंगे, क्योंकि ट्रेन में हम खा नहीं पाते हैं, और मेरा भूख भी बहुत तेज़ का लगा हुआ है। स्टेशन में तो ऐसा कुछ मिलता भी नहीं है, यहाँ पर पेटिस वगैरह है, रुके देखते हैं, पेटिस ही खा लेते हैं। भैया एक वेज पेटिस आप देख दीजिए। अच्छा, पेटिस अच्छा है यहाँ का, लेकिन ऐसा ट्रेन का खाना इतना अच्छा, मतलब स्टेशन वगैरह का इतना अच्छा नहीं होता है ना, लेकिन कामाख्या का ये अच्छा था। अभी हम लोग बैठ चुके हैं ट्रेन में, ट्रेन अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है, लेकिन हाँ 5-10 मिनट में ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी और फिर हम लोग का जर्नी भी स्टार्ट हो जाएगा। ये कि भैया ने क्या नाम है ये लाया, बांस का कप है, उनको किसी को गिफ्ट देना था तो वो लेकर क्या मुझे दिखा रहे हैं, ये देखो तो कैसे अच्छा था। अच्छा, इनका और एक ये है कि अगर ये अगर वुडन सामान अगर आप ऑनलाइन भी लेना चाहे तो ये उन लोग का इंस्टा आईडी का नाम है, यहाँ से आप लोग ले भी सकते हैं। अभी ट्रेन स्टार्ट हो गई है, स्लोली स्लोली जा रहे हैं, अब तो हम चले सोने के लिए, अब हम मिलते हैं आपको सुबह के टाइम। अच्छा, अभी हो गया है आपका सुबह, और ये देख रहे हैं ये ब्रिज, इतना लंबा ब्रिज है ना ये कहा जाता है कि पटना का सबसे बड़ा ब्रिज है, और ये ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से हम देख रहे थे 15 मिनट तक ये ब्रिज हम लोग ट्रेन से क्रॉस कर ही रहे थे, इतना लंबा ब्रिज था। अच्छा, सुबह हो गया तो कुछ तो खाना, कुछ खा तो पाएंगे नहीं, फ्रूट्स देख लेते हैं, हम लोग फ्रूट्स ले लेते हैं। ये लोग ये फ्रूट्स यहाँ पर आए स्टेशन से, हम लोगों ने ले लिया फ्रूट्स, और फ्रूट्स वगैरह खाने के बाद में फिर से हम चले जाएंगे सोने के लिए। उसके बाद सीधा अब दिल्ली स्टेशन उतर के आपको तब वहाँ पे मिलते हैं। आइए, फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं दिल्ली। ये दिल्ली का स्टेशन है हम लोग का, हाँ ये आनंद विहार कुछ टर्मिनल है, वहाँ पे हम लोग का ये रुका था, और यहाँ भी हम लोग जा रहे हैं रूम। रूम जाने के बाद में कल सुबह आप लोग से मिलते हैं। अच्छा, अभी हो चुका है सुबह, ये मेरा फर्स्ट डे है दिल्ली में, और सुबह की शुरुआत हो रही है राजमा चावल। दिल्ली आए और राजमा चावल ना खाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अच्छा, यहाँ पे कहीं भी जाने के लिए ना आपको मेट्रो मतलब मेट्रो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो मेट्रो के लिए यहाँ पे आपको टोकन लेना पड़ता है, अगर आप कार्ड बना ले तो आपका ईजी पड़ता है, और वो मतलब थोड़ा कम भी पड़ता है रेंज। तो पहले हम लोग कार्ड बना लेते हैं, उसके बाद जहाँ जाना जाते हैं। ये बस 5 मिनट में इन लोगों ने कार्ड बना के दे भी दिया, और ये कुछ रिचार्ज सिस्टम रहता है, बस रिचार्ज कर लो चलते जाओ। और यहाँ पे पहले आपको एंटर करने के लिए ये देखिए यहाँ पे आपको स्कैन करना होगा, स्कैन करते ही आपको एंट्री आपको दे दिया जाएगा, फिर आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हो। और ये देखिए ये एंटर करने के बाद में इतना बड़ा से ये पूरा एरिया खाली है। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं है कि आप अगर आपको मेट्रो नहीं मिला बैठे हुए हैं, मेट्रो आपको हर एक मिनट में आपको मिलती रहती है। अगर फिर भी अंदर आकर के अगर कुछ खाने पीने का अगर आपको मन भी करे तो यहाँ पे आराम से कैफ़े वगैरह रहता है, सिटी बहुत कुछ रहता है, आप आराम से खा पी भी सकते हो। अच्छा, आपको मेट्रो की स्पीड दिखाते हैं, इतना स्पीड में मेट्रो पहुँचाता है कि क्या बताएं, ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन मेट्रो टाइमिंग भी इतना अच्छा है ना कि आपको हर एक मिनट में आपको मेट्रो मिल रही है, आपको कोई टेंशन ही नहीं है कि हाँ आपको गाड़ी नहीं मिलेगा, ये वो कोई चीज़ का टेंशन ही नहीं है।
अच्छा ये देखिए, हम लोग आ करके पहुंच गए हैं रजौरी गार्डन। हाँ ये रजौरी गार्डन का ये मेट्रो है। अच्छा ये ऊपर जो आपको ब्लू लाइन दिखाई दे रही है ना, ये ऊपर जो सीलिंग है वो ऊपर सीलिंग नहीं है, वो ऊपर रोड है। और ये रोड के अंदर ये है, ये जा रही ना, ये मेट्रो है। ये रोड के अंदर जाती है मेट्रो, इसके ऊपर जो है ऊपर है आपका रोड, देखें। अच्छा आपको हम और एक चीज़ दिखाते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये रोड के ऊपर है। यहाँ पे ना इस तरफ देखिएगा, अभी ये देख रहे हैं ये ऊपर के, ये देखिए ये ग्रीन ग्रीन, ये लोग बैठे भी हुए हैं। ये पार्क है, ये ऊपर पार्क है, ये मेट्रो है, ऊपर रास्ता है, ये देखिए, और नीचे पूरा मेट्रो देखें। अच्छा यहाँ पे ऐसा ही एक मार्केट भी है जो कि ऊपर पूरा रोड है और उसके नीचे पूरा मार्केट है। चलिए हम लोग उस तरफ जाते हैं। अच्छा ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो मतलब सीन है ना, ये आपको बहुत सारे वीडियोस वगैरह में देखने को मिला होगा ना, हमने तो बहुत सारा उसमें देखा है। और ये ना तीन है यहाँ पे, और हम लोग घूम घूम के ठीक वहीं पे आकर, मुझे ऐसा लग रहा था बार बार हम लोग वही जगह पे क्यों घूम रहे हैं, बाद में पता चला ना कि ये सेम बिल्डिंग यहाँ पे तीन है, इस वजह से ऐसा लग रहा था। अच्छा फिर यहाँ पे आकर के हम लोग पहुँचे अलकुल्लू में मोमोज़ खाने के लिए। लेकिन मुझे यहाँ का मोमोज़ पता नहीं, लोग बोलते हैं कि हाँ दिल्ली का मोमोज़ बहुत अच्छा होता, बहुत अच्छा, मुझे तो नहीं अच्छा लगा दिल्ली का मोमो। और ये लोग ना रेड चिली वो जो होता है ना, क्या लाल चटनी का जो, हाँ चटनी जो होता है मिर्ची के, वो भी नहीं देते, ये रेड वाला जो वो सेजवान सॉस है, मुझे तो नहीं अच्छा लगा। अच्छा जो हम आपको बता रहे थे ना मार्केट, वो ये देखिए ये मार्केट है, ऊपर रोड है, वहाँ से क्या नाम है गाड़ी वगैरह जाती है, और ये नीचे ये पूरा फुल मार्केट है, ये फुल मार्केट है। अच्छा मैंने आपको एक दिखाया था ना वहाँ पे, ये देखिए ये दूसरा, और यहीं पे ऐसे घूमते घूमते आप तीसरा में भी पहुँच, ये आगे जो है वो थर्ड वाला है। और जो आपको गार्डन हम लोगों ने दिखाया था मेट्रो के अंदर से, वो देखिए ये देखिए ये लाइट जो चल रही है इसके, ये नीचे मेट्रो है, ये ऊपर अभी हम लोग आकर के पहुँच गए हैं आपका वो पार्क में। और वो सामने आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, वो बड़ा सा बिल्डिंग, वो LIC का जो हेड क्वार्टर है ना, वो ये है। बहुत से लोग हैं ना लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, पैसा रखते हैं, ये वो, तो ये देखिए ये उसका जो हेड क्वार्टर है वो ये है। क्या ज़ूम करना था? अच्छा यहाँ पे अभी हम लोग जब आए हुए हैं ना, यहाँ पे कोई चीज़ का शूटिंग भी चल रहा है। और आपको यहाँ पे ना शूटिंग वगैरह हो गया है, या होता है ना पार्क के अंदर जाने के लिए आपको एंट्री फीस दिया जाता है, मतलब वो लोग लेते हैं ना। दिल्ली में ना आपको ऑलमोस्ट आपको हर एक पार्क ना फ्री है, हर एक पार्क, कोई एंट्री फीस नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ पे इवेंट कर रहे हैं वो फ्री है, मतलब बहुत अच्छा है दिल्ली के लिए ये सब चीज़ में हमको बहुत अच्छा लगा दिल्ली। और हम लोग के वहाँ तो एंट्री भी, बच्चों का भी एंट्री 20 रुपये, जो कि कुछ रहता भी नहीं है। ये देखिए ये सब यहाँ पे फॉरेनर्स घूम रहे हैं, यहाँ पे आपको फॉरेनर्स बहुत बहुत ज़्यादा मिलेंगे देखने के लिए। अच्छा यहाँ पे ना आसामीस लोग भी बहुत थे, हमको लगा ही नहीं था कि आसाम के इतने लोग, लोग बात बात कर रहे थे तो मतलब उनके लैंग्वेज से पता, ओ ये आसाम के हैं। अच्छा यहाँ पे एक फेमस चाय वाला है, हम लोग वहाँ जाते हैं। अच्छा उनका चाय का स्टोरी आपको बता दें, ये चाय के नागौरी टमटम चाय वाला, हाँ तो ये टमटम चाय वाला, हम लोगों ने पूछा कि ये टमटम क्या होता है, तो उन्होंने बताया टमटम का मतलब है उन लोगों के लैंग्वेज में कि चलते रहो फिरते रहो और चाय पीते रहो। और इन लोगों का जो गांव है ना राजस्थान में, बताया गया कि वो पूरे 16,000 या 17,000 से लोगों का है, पूरे इन्हीं का है। बाफरे इतना बड़ा ख़ानदान। और ये क्रिसमस का टाइम है तो यहाँ पे क्रिसमस की डेकोरेशन चल रही है। अच्छा और एक चीज़, दिल्ली आए और दिल्ली का चाट ना खाए ऐसा भी तो नहीं हो सकता, चलिए फिर दिल्ली का चाट खाने। ये हम लोग आकर के पहुँच चुके हैं दिल्ली का चाट खाने, ये है आलू टिक्की चाट, और इतना टेस्टी कि कोई मतलब क्या बताए, कोई लिमिट ही नहीं था, इतना टेस्टी है। अच्छा वीडियो अभी तक का